नमस्कार दोस्तों। चलिए तो इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। कितना कुछ बदलता है, इसके संपादक हैं जावेद अनीस। यह अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते का 30वां वर्ष है। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने बाल अधिकार समझौता पारित किया था। यह संधि ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस समझौते को विश्व के 193 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करते हुए अपने देश में सभी बच्चों को जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन दिया। केवल दो राष्ट्रों, अमेरिका और सोमालिया, ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। याद रखिए, इन दोनों राष्ट्रों को, अमेरिका और सोमालिया, ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। 1992 में बच्चों के अधिकार चार मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं: जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास तथा सहभागिता का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के 30 साल का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। हालांकि यह दुनिया के पैमाने के सर्वाधिक सर्वस्वीकृत मानवाधिकार समझौता है, लेकिन इस करार को तकरीबन हर देश से मंजूरी मिल जाने के बाद बावजूद नियंत्रण स्तर पर अभी भी बच्चों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अभी भी हम ऐसी दुनिया नहीं बना पाए जो बच्चों के हित में और उनके लिए सुरक्षित हो। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट में चेताया गया है कि वर्ष 2017 से 2030 के बीच दुनिया के पैमाने पर 5 साल से कम उम्र के 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चों की मौत इसी वजहों से हो सकती है, जिन्हें टाला जा सकता है। आज मानव तस्करी के पीड़ितों में करीब 1/3 बच्चे हैं। युद्ध और सशस्त्र संघर्षों से भी सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे ही हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 में सशक्त संघर्षों के दौरान दुनिया भर में करीब 12,000 बच्चे या तो मारे गए या अपंगता के शिकार हुए। दुनिया भर से बच्चे पुराने खतरों से तो जूझ ही रहे हैं, उन्हें नए खतरों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा जैसी परंपरागत चुनौतियों के साथ जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराध जैसी नई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। भारत के संदर्भ में बात करें तो समाज और सरकारों का बच्चों के प्रति नज़रिया उदासीन बना हुआ है। हालांकि हमारे देश में सरकार की तरफ से तो फिर भी बच्चों के पक्ष में सकारात्मक पहल की गई, लेकिन एक समाज के रूप में हम अभी भी बच्चों और उनके अधिकारों को लेकर गैर जिम्मेदार हैं और असंवेदनशील बने हुए हैं। एक राष्ट्र और समाज के रूप में हम अपने बच्चों को हिंसा, भेदभाव, उपेक्षा, शोषण और तिरस्कार से निजात दिलाने में विफल रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार, जहां 1994 में भारत की कुल जीडीपी का 4.34% शिक्षा पर खर्च किया जाता था, वहीं 2010 में यह घटकर 3.35% रह गया। जिंदा रहने के हक की बात करें तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के कुल अविकसित बच्चों का 1/3 हिस्सा हमारे देश भारत में है। बच्चों की सुरक्षा की स्थिति को देखें तो देश में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक 2007 से 2017 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और यह आंकड़ा 1.8 से बढ़कर 28.9% तक जा पहुंचा है, जो कि हमारे देश में बच्चों के
असुरक्षा के भयावह स्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार से बाल लिंगानुपात की बात करें तो देश में 0 से 6 वर्ष आयु के समूह के बाल लिंगानुपात में 1961 से लगातार गिरावट जारी है। वर्ष 2001 की जनगणना में जहाँ 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के प्रति 1,000 बालक पर बालिकाओं की संख्या 927 थी, वहीं 2011 की जनगणना में यह अनुपात कम होकर 914 हो गया। हालांकि UNCRC स्वीकार करने के बाद भारत ने नए कानून, नीतियां और योजनाएं बनाई हैं, लेकिन भारत को अभी भी बाल अधिकार संधि के तहत किए गए वादे पूरा करने के लिए लंबा सफर तय करना है। बच्चों को अधिकार देने के लिए और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण एवं माहौल बनाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल के 30 साल पूरे होने पर आज एक नियंत्रण बिरादरी के तौर पर हमें संधि में किए गए वादों को नए संकल्पों के साथ अपनाने की जरूरत है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराध, बढ़ती असमानता और असहिष्णुता जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय भी शामिल हों। चलिए मित्रों, तो ये था हमारा बाल अधिकारों से संबंधित आर्टिकल।